नमस्कार। वर्ग आठ के गणित के पाठ सीधा और प्रतिलोम अनुपात के एमसीक्यू प्रश्न प्रस्तुत है। ये प्रश्न वर्ग आठ के बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति और आकांक्षा परीक्षा। इन सभी के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। दिए कथन में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण है? व्युत्क्रमानुपाती ऐसा अनुपात होता है जिसमें एक राशि बढ़ती है तो उससे संबंधित दूसरी राशि घटती है, और एक राशि अगर घटती है तो दूसरी राशि बढ़ती है। तो यहां ऑप्शन दिया है चाल और समय, दूसरा है धूप और तापमान, तीसरा है आदमी की संख्या और कार्य, टमाटर की मात्रा और दाम। तो यहां पर हम देखेंगे कि धूप और तापमान, धूप बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, तो यह तो सीधा अनुपात है। टमाटर की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उसका दाम भी ज्यादा होगा, यह भी सीधा अनुपात है। आदमी की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो कार्य भी ज्यादा होगा। पहला नंबर ऑप्शन है, अगर हम गाड़ी की चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और चाल घटा देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर वन हमारा आंसर है, ये व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण है। प्रश्न संख्या दो। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो हम देख रहे हैं ये चाल है और ये समय है। तो अभी हमने देखा है कि चाल और समय प्रतिलोम अनुपात होता है। तो प्रतिलोम अनुपात में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? ये एक्स वन वाई वन स्क्वल टू एक्स टू वाई टू, प्रतिलोम अनुपात में इस तरह से संबंध होता है। तो आइए इस संबंध पर हम बैठाते हैं और इसका हल ढूंढते हैं। तो यहां ये समय है, समय को हम मान ले रहे हैं x, ये x हो गया, और इस समय के साथ जो संबंधित चाल है वो 60 किलोमीटर है इंटू 60, और यहां x2 यानी जब हमने x लिया है, समय को x लिया है, तो फिर यहां पर ये समय है 3 घंटा और चाल है 40। बस देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से ये बन जा रहा है। x इक्वल टू 3 × 40/60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दुना और 2 से ये 2 दुनी 4, यानी 2 घंटा हमारा समय आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर वन हमारा सही है। प्रश्न संख्या तीन। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है? तो जब चाल बढ़ाएंगे तो दूरी भी ज्यादा तय होगी, तो ये सीधा अनुपात हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या फोर देखिए।
छह नल एक हौज को 12 घंटों में भरते हैं तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरा जाएगा। अब यहां पर पहले तय कीजिए कि यह सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, है ना, उसके बाद ही इसे हल किया जाएगा। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि नल की संख्या जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो समय लग रहा है वो कम होगा, और नल की संख्या घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो यहां घंटा ये मांगा जा रहा है, यानी समय मांगा जा रहा है, तो इसे हम मान लेते हैं x, और नल की संख्या यहां पर है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो 9 है, तो यहां पर फिर देख रहे हैं समय है 12 और नल है 6। अब बस इस समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, 12 गुना 6 बटा 9, तो 3 दुना 6, 3 तिहाई 9, और 3 से ये 3 चौके 12, तो ये 4 दुना 8 घंटा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आप देख रहे हैं कि सीधा और प्रतिलोम अनुपात में सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें पता करना होता है कि ये प्रश्न किससे संबंधित है, सीधा अनुपात से या प्रतिलोम अनुपात से, और उसके बाद हल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है तो 360 रुपए में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो केले का मूल्य और ये केले की संख्या, ये जो अनुपात है ये क्या है, हम देखेंगे केले का अगर हम संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य बढ़ जाता है, संख्या अगर घटाएंगे तो मूल्य भी घट जाएगा, तो ये सीधा अनुपात है, और सीधा अनुपात में संबंध कैसा होता है, x1 by y1 is equal to x2 by y2। तो चलिए किसी को हम x मान लेते हैं और किसी एक दूसरी राशि को y मान लेंगे, तो हम हल कर लेंगे इसे। तो ये कितने दर्जन मिलेंगे, अर्थात ये केले की संख्या है, ये निकालना है, तो इसे हम मान लेते हैं x, केले की संख्या को x, तो यहां पर हो जाएगा x बटा इसकी कीमत 360, और फिर केले की संख्या क्या है, एक दर्जन, ये एक दर्जन, और ये कीमत है 30, तो इस समीकरण से x का मान आराम से निकल जाएगा 1 बटा 30, और ये ऊपर आ जाएगा 360, तो ये 0 और ये 0 और 3 से 36 कैंसिल होगा 12 बार में, तो ये 12 दर्जन के लिए हमारा आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो यहां भी हम देखेंगे कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल की संख्या बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, और पेंसिल की संख्या घटेगी तो उसका मूल्य भी घट जाएगा, तो ये सीधा अनुपात है। तो यहां हमें निकालना क्या है, पेंसिल की संख्या, तो इसे हम मान लेते हैं x, तो ये हमारा अनुपात इस तरह से होगा x बटा 144, ये मूल्य हो गया, तो फिर ऊपर में हमने यहां रखा है पेंसिल की संख्या को, तो यहां भी हम ऊपर में वही रखेंगे अंश में, 16 पेंसिल ये है और मूल्य है 64, या x is equal to 16 बटे 64 गुने 100, तो ये 144 ऊपर आ गया,
तो 16 चौके 64 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 2 बचिया 24, 4 छक 24, तो यह आंसर आ गया 36। कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? 36 पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 7। एक नल 420 बोतलें 4 घंटे में भरती है, तो 6 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी? तो यहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब बोतलें ज्यादा होंगी तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, है ना? तो इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है? ये सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात में किस तरह का संबंध होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। x1y, y1 = x2y, y2। ये सारे संबंध को आप याद कर ले, सीधा अनुपात में ऐसा होगा और प्रतिलोम अनुपात में x1y1 = x2y2, है ना? ये प्रतिलोम अनुपात में होता है, ये प्रतिलोम अनुपात में ये संबंध चलेगा और ये सीधा अनुपात में। इसे जब आप याद रखेंगे तो आपके सभी प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो ये इस प्रश्न में हमने देखा कि ये सीधा अनुपात है ना, तो ये कितनी बोतलें, यानी बोतलों की संख्या को हम मान ले रहे हैं एक्स, तो एक्स बटा वाई ये समय, ये 6 घंटा, और फिर यहां बोतल की संख्या है 420 और समय है ये 4। तो आइए इस संबंध से हम एक्स का मान निकालते हैं, 420 बटा 4 और ये ऊपर में आ जाएगा 6। तो इसे अब काटना है, 4 से काटते हैं 420 को, 4 एका 4 और फिर ये 2 है तो 0 हो जाएगा, और 4 पचे 20, तो ये हो गया 630। 105 गुना 6 करेंगे तो 630, तो ये हमारा आंसर है चौथा नंबर ऑप्शन, 630। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, 60 को 10 से गुना कर देंगे तो हमारा मूल्य निकल जाएगा। तो 60 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 600। तो ये वह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 600 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 9। 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है, 330 रुपया में कितनी केजी चीनी प्राप्त कर सकते हैं? तो ये फिर सीधा अनुपात है ना, चीनी की मात्रा जितनी बढ़ेगी उसकी कीमत भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हम चीनी की मात्रा जो है इसे मान लेते हैं एक्स, तो x बटा हो जाएगा 330 और ये 8 बटा 240। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो राशि हमने बाएं पक्ष में ऊपर लिखा है यानी अंश में, दाएं पक्ष में भी उसी राशि को हम ऊपर में रखेंगे। जैसे यहां पर हमने क्या किया कि चीनी की मात्रा हमें निकालनी थी तो उसे हमने x माना है, x माना है तो इसे ऊपर हमने रखा है, तो फिर दाई ओर भी चीनी की मात्रा को ही ऊपर रखना है जो यहां पर 8 केजी है, और कीमत को हमने यहां हर में रखा है तो इस साइड में भी कीमत को हर में रख रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। तो ये x = 8/240 और ये गुना 330। तो सबसे पहले तो ये 0 और 0 कट गया, उसके बाद
ये तीन से काटते हैं, तीन ही अठे 24 और तीन से ये 11, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 11 केजी। ये ऑप्शन नंबर 2 है, 11 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 10। एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, वह 9 दिनों में कितना मक्का खाएगा? तो यहां हम देखेंगे कि जितना ज्यादा दिन होगा मक्का की मात्रा भी ज्यादा होगी, है ना, और कम दिन में वो कम मक्का खाएगा। तो ये किस तरह का अनुपात है? सीधा अनुपात है। तो सीधा अनुपात का रिलेशन हम देख चुके हैं, कितना खाएगा यानी मक्का के अनुपात में है, तो इसे हम मान लेते हैं x। तो x बटा दिन की संख्या 9, तो यहां फिर हम मात्रा को ऊपर में रखेंगे 18 और दिन नीचे 12, तो ये हो गया x स्क्वायर टू 18 बटे 12 और ये 9 नीचे था, यहां पर आ जाएगा 9। आइए इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, और 18 में अभी इसे 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 नमा 18, तो ये हो गया 27/2 अर्थात 13.5 किलोग्राम, है ना। तो हमारा आंसर है आ गया 13.5, जो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। प्रश्न संख्या 11। एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वो 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लगाएगा? तो हम देख रहे हैं, देखेंगे कि यहां जितना ज्यादा दूरी होगा समय उतना ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये कौन सा अनुपात होगा? सीधा अनुपात होगा। तो समय जिसे हम मान रहे हैं x, तो x बटा 600 मीटर और यहां समय क्या है, यहां समय है 10 मिनट और ये जो दूरी है 1 किलोमीटर। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर किलोमीटर दिया हुआ है और यहां मीटर है, तो अनुपात जब भी रहेगा तो इकाई एक ही होना चाहिए। तो यहां हमने मीटर में लिया है 600, तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 1000, है ना। तो अब यहां पर हल करेंगे इसे, x इक्वल टू 10/1000 और गुना यहां पर 600, तो ये शून्य कट गया, तो यहां कितना आ रहा है आंसर? 6 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर हम 4 देख रहे हैं, 6 मिनट यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 12। एक छात्रावास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों के खाद्य का प्रबंध किया गया था, यदि 15 छात्र आवास छोड़ दिए, छात्रावास छोड़ दिए, तब कितने दिनों तक खाद्य का प्रबंध होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो जब छात्र की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए जो व्यवस्था है जितने दिनों का, वो तो घट जाएगा, और छात्र की संख्या जब हम घटाएंगे तो वो दिनों की संख्या जो उनके खाद्य के लिए है वो बढ़ जाएगा, अर्थात ये प्रतिलोम अनुपात है। और प्रतिलोम अनुपात में किस तरह का संबंध होता है?
फिर से मैं एक बार मैं लिख रहा हूं, एक्स वन वाई वन स्क्वल टू एक्स टू वाई टू। तो यहां पर कितने दिन इसे हम मान ले रहे हैं x, तो ये होगा x और 15 छात्र छोड़ दिए, 75 थे 15 छोड़ दिए, तो अब कितने बचे हुए हैं, 60, 60 की बात हम कर रहे हैं, तो x गुना 60 और यहां दिन है 24 और गुना 75, तो x इक्वल टू 24 गुना 75 बटा 60। तो इसे हल करते हैं, ये 15 से 15 चौके 60 और 15 पचे 75 और 4 से 4 छक 24, तो ये हमारा आ गया 6 पचे 30 दिन, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो ये चाल और समय से संबंधित प्रश्न है और हम जानते हैं कि चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और चाल घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो कितना समय इसे हम मान ले रहे हैं समय को x, तो ये क्या किस तरह का अनुपात होगा, x गुना और 80 है यहां पर, 80 बराबर 2, ये जो समय है, गुना 60 या x 2 बराबर 2 गुना 60 बटा 80। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये 2 से हम काट रहे हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये समय हमारा आ रहा है 3/2 घंटा, अर्थात 1.1/2 घंटा। तो ये हो गया 1 घंटा और 1/2 घंटा में, यानी आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, 1 घंटा 30 मिनट, यही आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या है। तो यहां समय और व्यक्ति है ना, इसका संबंध है। तो हम जानते हैं कि जब हम व्यक्ति आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा, और अगर आदमियों की संख्या हम घटा देते हैं तो ज्यादा दिन लगेगा। तो यह संबंध कैसा है, यह व्युत्क्रमानुपाती है, या कहें प्रतिलोम अनुपाती है, या इंग्लिश में कहें तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो उसका संबंध हम जानते हैं, किस तरह से इसे हल करते हैं प्रतिलोम अनुपात को। यहां व्यक्तियों की संख्या मांगी गई है जिसे हम x मान लेते हैं, तो ये x गुना दिन की संख्या है 7 बराबर व्यक्तियों की संख्या यहां पर है 5 और ये गुना 28, तो यह x बराबर 5 गुना 28/7 है ना, ये गुना में था तो इधर बराबर किधर आके भाग में आ गया, तो 7 चौके
28, तो ये हो गया 5 6 20। तो कितने आवश्यक होगी व्यक्तियों की जरूरत होगी 20। प्रश्न संख्या 15, एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ दो और आदमी मिल जाएं तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये भी आदमी और दिन वाली संबंध है, तो ये प्रतिलोम अनुपाती होगी, आदमी हम बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे। तो इसे हम दिन है इसे मान लेते हैं एक्स, तो ये होगा एक्स गुना दो आदमी और, यानी पहले से 8 थे अब कितने हो जाएंगे, दो आदमी और मिलाएंगे तो 10 आदमी हो जाएंगे, तो एक्स गुना 10। तो यहां हमने पहले दिन को रखा है, तो यहां भी हम पहले दिन को रखेंगे, 40 गुना 8, या एक्स स्क्वल टू 40 गुना 8, 8 बराबर 10। ये शून्य कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 8 32। तो कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। प्रश्न संख्या 16, 16, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये अभी आदमी और दिन वाला प्रश्न है, तो अभी हमने देखा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां दिन जो है इसे हम मान लेते हैं, जो निकालना है एक्स, तो यहां हो गया एक्स गुना 39 बराबर, यहां दिन है 13 और ये व्यक्ति 45, यानी एक्स इंटू 39 इजकल टू 13 × 45। बस इस समीकरण को हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स इजकल टू 13 × 45/39, ये यहां पर गुना में था ना 39, इसे अब इधर लाते हैं तो ये नीचे बटा के नीचे आ जाता है, 13 3 39 और 3 से काटेंगे 45 को 15 बार में, तो ये हमारा आंसर आ गया 15 दिन। आशा है कि इन प्रश्नों को मैंने जिस तरह समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज की जितनी भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।